हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का टू कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। पैटर्न बनाने में बहुत ही सरल है, इसे इवन कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये तीन फंदे का और चार सलाई का पैटर्न है, हर चार सलाई पर कलर चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाना है। ये पहले समझे, जहाँ से हमने नीचे से शुरू किया है, ये चार सलाई हमने एक कलर की अपनी बना ली। उसके बाद हम डिज़ाइन को डालने के लिए हमें थ्री के मल्टीपल फंदे प्लस टू फंदे चाहिए। अब ये एक एक्स्ट्रा फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया। ये हमने अब क्या करना है, इस तरह से दोनों ये धागे को बीच में से पकड़ के ऐसे आगे लाना है, जिससे कि हमारे पास ये दोनों सिरे इसके आ गए। ये अब जो धागा हमारा खिंच नहीं रहा, ये देखें आप कि एक धागा खिंच नहीं रहा और एक धागा हमारा खिंच रहा है। तो जो धागा खिंच नहीं रहा, उससे हमने तीन फंदे उल्टे बनाने। ये इस तरह से बनाए तीन फंदे उल्टे, और ये पीछे से ये सिरा पकड़ के इसको ऐसे खींच दिया हमने। फिर इसको हम इस तरह से लाए, जो सिरा हमारा खिंच नहीं रहा, उससे हमने तीन फंदे बना लेने, और ये इस तरह से ये धागे को वापस पीछे खींच देना है। ये इस तरह से हम आगे लाए, तो जो सिरा हमारा खिंच नहीं रहा, उससे हमने बना लेने तीन फंदे, और ये इस तरह से पीछे खींच देना है। ये देखें, ये सिरा खिंच रहा है, इसको हमने यूज नहीं करना, जो नहीं खिंच रहा उसको यूज करना है। ऐसे वापस पीछे खींच दिया, ये ऐसे बीच में से पकड़ कर लाई, ये दो सिरे आ गए हमारे पास। एक सिरा खिंच रहा है, एक नहीं खिंच रहा, जो नहीं खिंच रहा उससे तीन फंदे बनाने हैं। ये इन्हीं तीन फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है। अब ये देखें, लास्ट का हमारा फंदा, इसको ऐसे ही हम सीधा बनाएंगे। अब ये हमारी एक रो कंप्लीट हुई है, फर्स्ट रो। ये सीधी इस तरफ से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। अब हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो ये ब्लू कलर से पूरी उल्टी सिंपल बनेगी। ये तीन रो अब हमारी सिंपल, जैसे एक उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी, तीन रो हमारी सिंपल बनेंगी। ये रो हम सेकंड रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखें, सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। अब हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो हमारी राइट साइड की रो है। इस पर सभी फंदों को हमने सीधे बनाना है, सिंपल सीधे सारे फंदे थर्ड रो पर हमने बना लेने हैं। ये देखें, राइट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की रो है, ये पूरी उल्टी बन जाएगी। सारे फंदों को हम उल्टा बना देंगे। फोर्थ रो हमारी एंड पर है, एक लास्ट फंदा हमारे पास बचा है। अब हमने कलर चेंज करना है, तो हम एक मतलब इस तरफ से ही एक फंदा पहले कलर चेंज कर लेंगे। अभी हमारी फिफ्थ रो है, एक कलर से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। एक रो में हमने डिजाइन डाला था सीधी तरफ से, फिर हमने तीन रो सिंपल बनाई, एक उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। अब हमने नेक्स्ट कलर अपना लगा लिया है, और अब हम एक बार फिर से डिजाइन डालेंगे। ये देखें, इस फंदे को हमने उतारा, ये ऊन को इस तरह पकड़कर हम आगे लाए, ये जो नहीं सिरा खिंच रहा है, इससे हमने तीन फंदे बना लिए, और ये इस तरह से धागा पीछे खींच दिया। फिर हम ये ऐसे पकड़कर लाए, जो सिरा नहीं खिंच रहा उससे तीन फंदे बनाए, और ये इस तरह से पीछे खींच दिया। ये इस तरह लाए, जो सिरा नहीं खिंच रहा वो हमें ये फंदे बनाने में यूज करना है। ये देखें, ये सिरा नहीं खिंच रहा, इसका यूज करेंगे हम फंदे बनाने में, और फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये नहीं खिंच रहा सिरा, इसको यूज करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, और ये पीछे से ये वाइट धागा खींच देंगे।
फिर इसी तरह से इसको आगे लाएंगे हम, एक दो और ये तीन, ये पीछे खींच दिया। फिर इस तरह से आगे लाए, एक दो और ये तीन, फिर ये इस तरह से एक दो और ये तीन, फिर इस तरह से खींच दिया और लास्ट का फंदा सिंपल सीधा बना लेंगे। ये देखें, एक बार और हमने डिजाइन डाल दिया है। अब इस कलर से हम तीन सलाइयां सिंपल बना लेंगे, एक उल्टी सीधी तरफ से तो हमने डिजाइन डाला है, अब एक रो उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। ये देखें, फिफ्थ रो पर हमने डिजाइन डाला था और सिक्स्थ रो अब ये हमने सिंपल बना ली। अब ये सेवन्थ रो, इसे भी हम सिंपल सीधा बना लेंगे, पूरी रो ये हमारी सीधी बन जाएगी। ये देखें, सेवन्थ रो कंप्लीट। अब हम एट्थ रो पर आते हैं। एट्थ रो रॉन्ग साइड की रो है और इसे हम पूरा उल्टा बनाएंगे, सारे फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, तो लास्ट फंदे को हम सेकंड कलर से बना लेंगे, और या आप अगली सिलाई पर भी कलर चेंज कर सकते हैं, पर ऐसा करने से ये जो एजेस होती हैं हमारी, ये थोड़ी साफ आती हैं। देखें, ये भी सिलाई हमारी कंप्लीट होती है। ये देखें, लास्ट फंदा आ गया। अब यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे। आप ना भी इस तरह से करना चाहें तो अगली सिलाई के शुरू पर चेंज कर सकते हैं, और फिर से हम यहाँ से एक बार डिज़ाइन को डाल लेंगे। ये आठ सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करना है। ये देखें इस तरह से, ये हमारा डिज़ाइन, जब हम आठ सिलाइयों को ही रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आगे आगे चढ़ता जाएगा डिज़ाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।